नमस्कार, मैजिक किचन में आपका स्वागत है। मार्केट में टमाटर काफ़ी सस्ते हो रहे हैं, तो फटाफट टमाटर प्यूरी बनाकर स्टोर कर लीजिए। और जब टमाटर महंगे हों या फिर घर पर टमाटर ना हों, तो बनी प्यूरी इस्तेमाल कर लीजिए। तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लाल लाल टमाटर लिए हैं, 1 किलो देसी टमाटर और 1 किलो हाइब्रिड टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है और धोकर पोंछ लिया है। और इनको हम बीच में से 2 टुकड़े करके, जो बीच में हरा पार्ट होता है, हरे पार्ट को अलग कर देंगे। अगर इसे अलग नहीं करेंगे हम, तो हमारा जो पीसने के बाद छानेंगे हम इसको, तो बहुत ज़्यादा कचरा निकलेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। टमाटर के बीच के हरे पार्ट को कट करने के बाद हम टमाटर के 3-3, 4-4 टुकड़े कर लेंगे, जिससे उबालने में आसानी हो जाएगी। तो ये हम सारे टमाटर कट कर लेते हैं। पहले मैंने देसी टमाटर को कट कर लिया है सारे इनको, और इसके बाद हाइब्रिड टमाटर को भी कट कर लेंगे। ये देखिए, हाइब्रिड टमाटर से भी हम बीच से ये पार्ट निकाल देंगे, हरा पार्ट, और इनको भी कट कर लेंगे। ये बहुत टाइट पार्ट होता है, टमाटर पूरी के अंदर ठीक भी नहीं रहता। तो ये हमारे सारे दोनों तरह के, हाइब्रिड और देसी, दोनों तरह के सारे टमाटर हमारे कट गए। अब हम इनको एक पतीले में या कढ़ाई में, जो भी आपके पास बर्तन हो अवेलेबल, उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा ही बर्तन रखेंगे। और ये मैंने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसमें हम 1/2 गिलास पानी ऐड कर दो, मतलब 100 ml पानी ऐड करके इसको गैस पर रख देते हैं ढककर। ये बॉयल आएगा, अब बॉयल आने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। जब तक हमारे टमाटर थोड़े मुलायम ना हों, तब तक हम इसको बॉयल करेंगे। देखिए, हमारे टमाटर बॉयल हो गए, और दोबारा चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो रहे हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देते हैं टमाटर को। टमाटर हमारे रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, गर्म नहीं पीसेंगे हम। और ठंडे होने के बाद हम मिक्सर के जार में, जो मसाले पीसने वाला जार होता है, उसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा खाली जार को रखेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, फाइन पेस्ट बन गया। अब हम एक बर्तन लेंगे छानने के लिए, और स्टेनर लेंगे, और इसको हम, क्योंकि अगर बारीक वाली चलनी में, चाय छाननी चलनी में छानेंगे, तो हमारा आधा भी पल्प नहीं निकलेगा, इसलिए इसे स्टेनर में छानेंगे। और स्टेनर में हम एक चम्मच से आराम आराम से घुमा घुमा के इसका सारा कचरा बाहर कर देंगे, और पल्प नीचे आ जाएगा। इसमें जो बीज थे, छिलके थे, वो सभी हमारे निकल जाएंगे। देखिए, इतना कचरा निकल गया है। इसी तरीके से जितने भी टमाटर थे हमारे बॉईल किए हुए, सारे टमाटर हमने पीस लिए हैं। और सारे टमाटर पीसने के बाद सारे टमाटर को छान लिया है, और सारे टमाटर को देख छानने के बाद जितना भी हमारा कचरा निकला था, उसे दोबारा स्टेनर में डाल के उसमें से भी जो पल्प निकला था, उसे भी निकाल लिया है। देखिए, चलनी के पीछे से भी निकाल लिया है, और ये हमारा सारा पल्प तैयार है। सारा पल्प तैयार होने के बाद इसे हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। काफ़ी अच्छा गाढ़ा निकला है। हाइब्रिड टमाटर मैंने इसीलिए लिए थे कि थोड़ा थिकनेस अच्छी होती है हाइब्रिड टमाटर में, और देसी टमाटर खट्टा होता है थोड़ा। तो चलिए, गैस की तरफ चलते हैं। और कढ़ाई को मैंने फुल फ्लेम पर रख दिया है, और बॉयल आने तक फुल फ्लेम पर ही रखूंगी मैं इसको, क्योंकि जल्दी बन जाएगी। जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लगे, तो इसमें 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच वाइट विनेगर की ऐड कर देंगे, क्योंकि वाइट विनेगर, ये सभी चीज़ें हमारे टमाटो प्यूरी को लंबे समय तक सुरक्षित रखेंगे। ये हम बॉयल आने तक फुल फ्लेम रखेंगे। देखिए, बॉयल आने लगा है। अब हम लो से मीडियम फ्लेम कर देंगे, और लो से मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते रहेंगे इसे। बीच बीच में थोड़ा चला लीजिए, थोड़ा कंटिन्यूस चलाने की जरूरत नहीं है। और ये मैं कम से कम 20 से 22 मिनट तक इसे कुक करूँगी। 20-22 मिनट हो गए, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसे फिर से वापस से रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। हमारी प्यूरी ठंडी हो गई है। देखिए, ठंडी होने के बाद और थिक हो जाती है थोड़ी। कितनी अच्छी प्यूरी बनी है, एकदम थिक। अब इसे हम बोतल में भर के रखेंगे। तो ये कांच की बोतल ली है मैंने, इसको पहले
उबाल कर 10 मिनट और उबाल कर इसका पानी सब निकाल के और अच्छे से पोंछ लिया है या फिर धूप में सुखा लीजिए। इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी, मेरे पास एक ही बोतल थी मैंने इसलिए एक ही बोतल में भर रही हूँ। आप चाहें तो 2-3 छोटी छोटी बोतलों में भर सकते हैं। इसको मैं ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दूंगी और आप इसे 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ढक्कन खोलने के बाद 1 हफ्ते तक थोड़ा सा बच गया है। इसे मैं आइस क्यूब बनाने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा सॉस बचा है, इसको मैं आइस फॉर्म में बना दूंगी। इसे हम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसे फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, और फ्रीजर में रखने के बाद जब ये आइस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको निकाल के किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रिज में वापस से रख सकते हैं। थोड़ा सा और बचा है, इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है और इसे हम 3-4 दिन में यूज कर सकते हैं क्योंकि ओपन है ये, और इसे हम 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। आइस फॉर्म में है, इसे हम 6 महीने तक यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख के। टमाटर की प्यूरी बनाकर रखिए, जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।